आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। हम खुद सोच रहे हैं तो आ रहे हैं लोगों के साथ, अगर घर पाले गाँव के लोगों को जरूरत पड़ेगी कहाँ से आता है सिलेंडर? यह अभी तो इंदौर एजेंसी से आता था, तो आज अभी दूसरी जगह चाहिए समाधान की। आपके पास एंट्री होगी ना, आपको बता दो नंबर ले रहे इनका कॉन्टेक्ट बना कर दिया खाना खाने जाए। हाँ मैडम, अपने गैस गैस कनेक्शन करा लो। सर अभी रेट काफी बढ़ गया, रोज 50% बढ़ रहा है पीछे से। मेडिकली डॉक्टर के साहब को रिपोर्ट किया मैंने कि मालेगांव पंक्ति से मनमार के बीच में कानवर के हैं, सटाना के हैं, नामपुर के हैं, ये जो पेशेंट हमको कई तरह से आ रहे हैं वो बंद करने के लिए, क्योंकि एक बार इधर पेशेंट आता है तो 14 दिन हिलता नहीं। अच्छे हो जाएंगे उम्र भी ठीक चालू है। हाँ ठीक है ना, और ये सिविल ऑफिसर है। हाँ सर रुक्रम, वो हालात बज़ाहिर ठीक नहीं है मालेगांव सेंट्रल, मालेगांव आउटर अगर देखा जाए तो सेंट्रल तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन आउटर के अंदर और मालेगांव तालुके के अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा है। गंभीर बात यह है कि हमने मालेगांव सिविल हॉस्पिटल मालेगांव तालुके के लिए रखा था और कुछ सहारा जो है वो मालेगांव सेंट्रल आउटर के लिए मनपा हद्दी के लिए रखा था, लेकिन दूसरे तालुके से जैसे मनमाड़ है, सटाना है, नामपुर है, कलवन देवड़ा है और इस तरह जलगांव चोटी है, शीरपुर दूसरे सिटी से काफ़ी मरीज़ मालेगांव आ रहे हैं। पिछला जो दौर था 2020 का मार्च अप्रैल में मालेगांव की स्थिति बहुत भयानक थी, लेकिन मालेगांव के लोगों ने कोरोना को जिस तरह शिकस्त दी थी, एक मालेगांव पैटर्न चल के पूरे देश के अंदर नाम चला। उसी आस और उम्मीद के ऊपर कुर्ब जवार के जितने मरीज़ हैं वो मालेगांव आ रहे हैं। हमने कभी अपना दरवाज़ा बंद नहीं किया, हमने पीछे भी जो है दीगर तालुके के जो लोग आए उनको भी हमने जगह दी, दीगर सिटी के लोग आए, हत्ता के इंदौर जैसे दूसरी स्टेट से लोग आए हमने उनका भी इलाज किया, गुजरात से लोग आए। लेकिन बात क्या है कि हमारी ये इंसानियत नवाजी के साथ आज सूरत हाल ये है कि ये सारे पेशेंट जो मालेगांव इलाज के लिए आ रहे हैं वो मालेगांव के समझे जा रहे हैं। पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि मालेगांव के अंदर कोरोना की ये पोजीशन है कि वहाँ इतने पेशेंट हैं और इतने लोगों की डेथ हो रही है। अब जाहिर बात है मनमाड़ का आदमी आया, सटाना का आया, शीरपुर का आया, यहाँ आने के बाद जाहिर बात है एंट्री हो गई,
कि भाई ये कोरोना के इतने मरीज हैं, उनमें अगर डेथ होती है वो दूसरे सिटी के दूसरे तालुके के लोग हैं लेकिन वो मालेगांव में ही शुमार किए जा रहे हैं, तो मालेगांव का नाम भी ख़राब हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हम पर बोझ बढ़ता जा रहा है, हमारे डॉक्टर्स कहो, नर्सेस कहो, वार्ड बॉयज़ कहो, इन लोगों के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। और हमने अपने सिविल हॉस्पिटल का जो इंतज़ाम है और इसी तरह जो है सहारा बोलो मनपा ने जो इंतज़ाम किया है वो नाकाफ़ी लग रहा है। हमें डर ऐसा लग रहा है कि अगर मालेगांव के अंदर पेशेंट निकलेंगे तो उनको हम कहाँ लेकर के जाएंगे अगर बेड नहीं होगा तो। इसलिए बहुत गंभीरता से हमको ये बात सोचनी पड़ेगी कि मालेगांव के लिए अगर कॉरपोरेशन जो इलाज कर रही है तो टैक्स से देने वाले जो लोग हैं उनको फर्स्ट उनको सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यही वजह है कि थोड़ा इसको हम लोग गंभीरता से देख रहे हैं। अभी सहारा के अंदर नाकिस इंतज़ाम होने की वजह से उन्होंने जो सेंट्रल लाइन की है और उन्होंने तीसरे फ्लोर तक जो है कोविड के मरीजों को रखा है, तो ऑक्सीजन की जो लाइन है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें जो गैस होती है उसका प्रेशर ऊपर तक पहुँचता नहीं। उन लोगों ने तीन मर्तबा जो है लेटर कॉरपोरेशन जिम्मेदारों को दिया कि कंप्रेशन मशीन आप लगाओ ताकि ये पूरा जो ऑक्सीजन टैंक होता है, बोतला होता है, वो पूरा खाली होना चाहिए। अभी 50% खाली होता है, ऊपर प्रेशर ख़त्म हो जाता तो वो निकाल करके फिर नया 100% भरा हुआ जो है ऑक्सीजन का वो बोतला लगाना पड़ता है। तो ये खुला हुआ नुकसान है, यानी जहाँ आज 200 बेड यूज़ हो रहा है वहाँ पर 100 बेड में कहाँ 100 जो है 200 सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है उसमें 100 सिलेंडर में अपना काम हो जाएगा। इसलिए क्या 40-50 हज़ार रुपये की कंप्रेशन मशीन आती है वो कॉरपोरेशन को लगा करके देना चाहिए, बड़े नुकसान से बच सकते। और ये जो हालात हैं अभी पिछले चंद दिनों पहले ऑक्सीजन प्रेशर कम होने की वजह से सहारा में कई डेथ हो गई, वो यही कारण है। कॉरपोरेशन को पहली फुर्सत के अंदर जो है वहाँ कंप्रेशन मशीन डालनी चाहिए। और अभी यहाँ इंदौर गैस एजेंसी में जाना हुआ, वहाँ हमने पूरी डिटेल ली क्या है सूरत हाल, हम आगे तफसील से बताएंगे, हमें कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। और उसी के साथ अभी यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज फायर स्टेशन पे जाना हुआ, 100 नए सिलेंडर वहाँ पर पड़े हुए और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अभी पिछले दिनों जो गैस सिलेंडर की कमी पड़ी थी उसे इस्तेमाल करना चाहिए था, जो डेथ हुई है जाहिर बात है हमारे पास ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन ना होने की वजह से लोगों की डेथ हो गई, ये तो बहुत खतरनाक बात है। इस पर जो है कॉरपोरेशन को और शहर के जिम्मेदारों को सोचना चाहिए। उसी के साथ सिविल हॉस्पिटल, हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी आम जगहों से अच्छा इंतज़ाम है, डॉक्टर डांगे साहब जो है उसकी सरपरस्ती और जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बाहर के काफ़ी पेशेंट हैं यहाँ मालेगांव तालुके के, मालेगांव तालुके से हट करके शीरपुर से लोग भी हैं, इसी तरह 5-7 तालुके के लोग यहाँ पर हैं, उनका इलाज है, सटाना है, मनमाड़ है, नामपुर है, चांदवड़ है और इसी तरह कलवन है, वहाँ के लोग यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। आज सूरत हाल बज़ाहिर अच्छी नहीं है, हम लोगों को मालेगांव के पेशेंट के लिए, मनपा हद्दी के पेशेंट के लिए कुछ न कुछ हॉस्पिटल या कोई जगह रिजर्व करके रखनी चाहिए कि अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग टैक्स से देते हैं और जिनके पैसे पर हम दूसरों का इलाज कर रहे हैं उनको इलाज के लिए हम कोई सुविधा ना दे सकें, बेड ना दे सकें। पिछले महामारी के टाइम हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब ने मालेगांव को बड़ी अच्छी तरह उन्होंने देखा और मालेगांव की उन्होंने काफ़ी मदद की। आज अपने पास जो है 57 वेंटिलेटर हैं और यहां से जो है वेंटिलेटर सहारा को भी दिए गए, वेंटिलेटर जो है अपने MSG कॉलेज में भी दिए गए, यहां पर भी वेंटिलेटर है। मैं मालेगांव वासियों की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है पिछली महामारी के टाइम जो हमारी मदद की थी उसकी वजह से आज हम लोग जो है काफ़ी अच्छी तरीके से, अपना ही नहीं मालेगांव तालुका, मालेगांव सिटी और पूर्व जवार के 5-7 तालुके के लिए हम लोग ये सुविधा इस्तेमाल करके उनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन कॉरपोरेशन के तहत थोड़ा सोचने की बात है कि कॉरपोरेशन को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। एक सहारा हॉस्पिटल में 40-50 हज़ार की कंप्रेशन मशीन लगनी है, वो लगा दिए होते तो बड़ा नुकसान नहीं होता।
इसलिए और भी कुछ बातें हैं इन हालात के अंदर, उस पर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। आज हालात ऐसे हैं कि आप इन एजेंसी के तहत अगर देखोगे तो एमडी फिजिशियन डॉक्टर्स होना चाहिए कॉरपोरेशन के पास नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर्स होना चाहिए कॉरपोरेशन के पास नहीं है। आज जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने पीछे काम किया वो बीयूएमएस और बीएएमएस जो है डिग्री रखने वाले डॉक्टर्स हैं, तो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन पूरी नहीं कर रही है, ऐसा हमें दिख करके आता है। और इस मौके पर आज हम कोई सियासत नहीं करना चाह रहे हैं, ये जो सूरत हाल है वाकई जो हकीकत है वो आपके सामने रखी जा रही है। पिछले जो इस ताल्लुक से मीटिंग थी उससे उस पर जो मैंने वॉकआउट किया था उसका बैकग्राउंड यही था कि इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है और करोड़ों रुपया खर्च कर चुके ऐसा ये लोगों के सामने हिसाब किताब रखते।